एक ये देखिए, एक 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 ये कमांडर गाड़ी कही जाती है, गांवों में चलती है। ये दीदी हैं, वो कह रही हैं अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और आप क्या है? मेरा भाजपा है। आप योगी जी क्या कारण है योगी जी की सरकार बनने का? बहुत सारा प्रॉफिट है हमारे, शिक्षा से लेकर हर जगह तक बहुत सारी सुविधाएं। हम लड़कियां हैं, हमें बहुत सारा प्रॉफिट है, उनसे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, हमारी रक्षा होती है। अच्छा, क्या रक्षा हुई है आपकी? डर लगता है क्या पहले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले बहुत सारी घटनाएं होती थी, हम फिर कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब क्या दिक्कत होती है? अब नहीं दिक्कत? दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल। अपनी घटना बताओ, कोई घटना हुई है आपके साथ? जी बिल्कुल नहीं, बहुत सारा घटना हुआ, बट अब ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। अब डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं, पूरे यहाँ यूपी की हर लड़की फ्री है। आप ये बताइए, हर लड़की फ्री है, इसलिए फ्री है कि कोई लड़का के लेकर फिर हार हो जाती है। इसकी सरकार बना रहे हैं भैया योगी जी का? क्या कारण है? स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं जानते? अरे पटौना में क्या काम किए हैं 5 साल में? जानते हैं उनको? वो जानते हैं। तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति होगी उनकी? अब तो आने वाला समय बताएगा भैया। अच्छा, आप नहीं जानते, आप बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। किसकी सरकार बन रही है मैडम, बता दीजिए। मोदी के सरकार नहीं बनी, मोदी जी तो खून चूस चूस खाता रहे। मोदी जी तो सबके गरीब आदमी के खून चूसता रहे। अच्छा, स्वामी प्रसाद आदमी खातिर ठीक बा मोदी के सरकार, गरीब आदमी खातिर ठीक नहीं है मोदी के सरकार। काहे जे इतने पहले गैस के सब्सिडी कट के जात रहला, 450 में गैस उठत रहला, तो आई अब 1000 में गैस उठता तब सब्सिडी कट के नहीं खे जात। मोदी जी खून चूसता रहे गरीब आदमी के। अच्छा, अमीर आदमी खातिर ठीक बा रहे। अच्छा, राशन वगैरह मोदी जी खूब दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? राशन दे रहे हैं तो एक तरफ से दे रहे हैं, एक तरफ से ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं ये बता दीजिए? घर के गाला, जब जौन गाला खेत में होता वो बिकाता तो ओकर कोनो मोले मर्जाद नहीं है। अच्छा, पहले वह गेहूँ 2022 के बिकाए, वह गेहूँ गरीब आदमी ले जाता, बेचे तो 1700-1800 के बिकाता। अच्छा अच्छा, इस बार किसकी सरकार बन रही है 2022 में, ये बता दीजिए। अरे सब लोग चाहे तो अखिलेश की सरकार हो जाए। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार बना रही है, आप बताइए योगी जी सीएम सरकार बन रही है योगी जी, क्या कारण है योगी जी की सरकार बन रही है? बहुत सारे कारण, बहुत सारी हमें सुविधाएं मिलती है योगी जी से। आप दोनों लोग अगल बगल हैं, आप कह रही हैं अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, आप कह रही हैं एक ये देखिए, एक 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 ये कमांडर गाड़ी कही जाती है, गांवों में चलती है। ये दीदी हैं, वो कह रही हैं अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और आप क्या है? मेरा भाजपा है। आप योगी जी सीएम? क्या कारण है योगी जी की सरकार बनने का? बहुत सारा प्रॉफिट है हमारे, शिक्षा से लेकर हर जगह तक बहुत सारी सुविधाएं। हम लड़कियां हैं, हमें बहुत सारा प्रॉफिट है, उनसे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, हमारी रक्षा होती है। अच्छा, क्या रक्षा हुई है आपकी? डर लगता है क्या पहले? बिल्कुल नहीं, एक मिनट, बिल्कुल नहीं। पहले बहुत सारी घटनाएं होती थी, हम फिर कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब क्या दिक्कत होती है? अब नहीं दिक्कत? दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल। अपनी घटना बताओ, कोई घटना हुई है आपके साथ? जी बिल्कुल नहीं, बहुत सारा घटना हुआ, बट अब ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। अब डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं, पूरे यहाँ यूपी की हर लड़की फ्री है। आप ये बताइए, हर लड़की फ्री है, इसलिए फ्री है कि कोई लड़का के लेकर फिर हार हो जाती है। अच्छा, इसलिए फ्री है। और लड़का सब जेल चले जाते हैं, पासको के धारा भी लग जाते हैं, लड़की सब अपना घर रहती है, इसलिए फ्री है। ये क्या बोल रही है, इन पे बताओ क्या बोल रही है? जी मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकती, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके घरों में लड़कियां हैं, अब मैं हर लड़की का अनुभव तो नहीं जानती ना, कि इनके करीब में जो लड़की होगी उसी के बारे में जैसा अनुभव करती होंगी वैसा बताती होंगी। देखिए क्या बोल रही है आपके, लड़का सबका खून चूस रहा है, लड़की सब फ्री है, गरीब आदमी का खून चूस रहा है। एक मिनट बताइए, ये क्या कह रही है कि ये गलत सोच रही है? कुछ ना गलत बा, कुछ नहीं है गलत, कुछ नहीं है गलत, नहीं है। एमए बीए जे कर लेता ओकर नौकरी हो जाता है। मोदी सरकार में जितना बच्चा बची एमए बीए कर ले बस सबके नौकरी हो गई बा। आपको नौकरी मिली है ये बता रहे हैं? अभी तो मैं ग्रेजुएशन, अभी तो मैं पीजी कर रही हूँ, तो अभी कैसे मुझे नौकरी मिल सकती है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। बकरी चरा होता है। आपके घर में लोग कितना पढ़े लिखे हैं? 4 बच्चा पढ़े लिखे। कितना पढ़े लिखे हैं? बीए सब कर रहे हैं। बीए? बीए क्यों, क्या करते हैं? घर पर लो नौकरी नहीं मिली है, बताइए। इनके घर में चार लोग इनके घर पे पढ़े लिखे हैं और इनको नौकरी नहीं मिली है, आप कैसे कल्पना कर रही हो कि नौकरी आपको मिलेगी?
आपके लिए बीए करने से, एमए करने से, पीएचडी करने से ऐसा थोड़ी है ना कि आपको जॉब मिल जाएगा। उसके आगे भी तो प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल बताइए। कभी भी नौकरी मिल सकता है आज के डेट में भी नौकरी मिल रहा है जो उस काबिल है, और जो उसके काबिल नहीं है उसको नौकरी, वो तो बेरोजगार रहेंगे ही रहेंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी लोग कह रहे हैं, यहाँ पे आए हैं मौर्या जी को, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, इस वजह से बोलते हैं। अब पटनाओं में क्या करके आए उनको तो मौर्या जी को खुद मालूम होगा भैया। आप मौर्या जी को वोट दे रही हैं इस बार? हाँ दे रहे हैं। आप मौर्या जी को? और आप? योगी जी को। और आप? हम तो गोरखपुर ही रहते हैं, योगी जी के शहर में रहते हैं, योगी जी के जॉब करते हैं। आप बताइए भाई साहब, आप सबसे किनारे कुछ बोल रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आप बताइए, आप बता दीजिए भाई साहब। अच्छा तुम इधर बता दीजिए, किधर से, किसकी सरकार बन रही है? ये इस अपने एक छोटे से जीप में ही एक गजब का डिबेट हुआ। ये क्या नाम है आंटी जी? रुखसाना खाते। रुखसाना, और आपका क्या नाम है? रुखसाना और नीतू गुप्ता, दोनों में आपस में डिबेट हुई। ये नौकरी के नाम पे कह रही थी नौकरी नहीं दी है मोदी सरकार ने, और उन्होंने कहा नौकरी खुद से नहीं मिलती है, पढ़ना पड़ता। हालांकि वो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़ी हैं, और दोनों लोगों में अच्छी डिबेट हुई। इसके अंदर घूमने से ये पता चला कि योगी जी के 4 मत हैं और अखिलेश यादव के 1, और कोई है? अखिलेश यादव के 1-2 लोग हैं।